नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट फार्मर में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम बोड़ो मिश्रण बनाने का विधि देखेंगे। बोड़ो मिश्रण हम फलों के पौधों में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधों में जो फफूंदजनक बीमारियां है, जिसे हम फंगस भी कहते हैं, उससे इस बोड़ो मिश्रण से नियंत्रण होता है। उसी के साथ में पौधों में जो छाल खाने वाली कीट और जिसे स्टेम बोरर कहते हैं, हम इसे भिरूड़ भी कहते हैं, उसका भी नियंत्रण करने के लिए ये बोड़ो मिश्रण बहुत ही असरदार है। इसके इस्तेमाल से हम पौधों की लाइफ ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बोड़ो मिश्रण का इस्तेमाल हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम इसे पौधे के मेन तने पे और ब्रांचेस पे भी ब्रश के माध्यम से लगा सकते हैं। उसी के साथ पत्तियों में जो काला धब्बा फंगस आता है, उसके नियंत्रण के लिए हम इसे पौधे के पत्ते पर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आइए हम इसे बनाने का विधि देखते हैं। इसके लिए हमने दो प्लास्टिक के बकेट लिए है। इसमें 5-5 लीटर पानी लिया है और 1 kg नीला थोता है, इसे हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, और ये 1 किलो चूना है। चूना हम साधारण नहीं लेंगे, जो हॉर्टिकल्चर यूज़ में आता है वही चूना लेंगे, जिसे हम कली का चूना कहते हैं। ये दोनों हम प्लास्टिक के बकेट में ही मिलाएंगे। अगर हम ये मिश्रण धातु के बर्तन में बनाते हैं तो ये कॉपर सल्फेट जो है ये न्यूट्रल हो जाता है। फिर हम इसे इस मिश्रण को पौधों में लगाएंगे भी तो हमें इसका इस्तेमाल जितना होना चाहिए, जितना फ़ायदा होना चाहिए, उतना नहीं मिलेगा। अब हम ये नीला तोता इस 5 लीटर पानी के बकेट में मिला देंगे। और इसे लकड़ी के माध्यम से अच्छी तरह से घुमाएंगे। हमें ये मिश्रण बनाने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये प्लास्टिक के बकेट में बनाना है और दूसरा इसे हम जिस दिन लगाना है उससे 1 दिन पहले बनाएंगे और दूसरे दिन इसे पौधों पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका हम भंडारण नहीं कर सकते हैं। इसका भंडारण करने से इसके अंदर का जो पीएच रहता है वो कम हो जाता है, जिससे हमें पौधों में लाभ नहीं मिलता है। इसे हमें अच्छी तरह से घुमाएंगे और मिक्स करेंगे। इसके बाद में हम इस दूसरी बकेट में धीरे धीरे से चूना मिक्स करेंगे, जिसे हम लाइम भी कहते हैं। इस प्रकार से एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे ये घोल मिक्स करते रहना है। 5 लीटर पानी में 1 किलो चूना और 5 लीटर पानी में 1 किलो कॉपर सल्फेट, ये वैज्ञानिक तरीका है, क्योंकि किसानों के पास इसका पीएच चेक करने के लिए पीएच मीटर नहीं होता है, इसलिए मैंने ये भी आधा आधा किलो के दो पैकेट है ये इसमें मिलाऊंगा। और ये मिश्रण कल हम एक बाल्टी में मिक्स करके इसे पौधों पर अप्लाई करेंगे। अभी बाकी का विधि हम कल देखेंगे। तो आइए देखते हैं, हमने कल जो बोड़ो मिश्रण तैयार करने के लिए ये नीला तोता और लाइम चूना हमने 5-5 लीटर पानी में मिला के रखा था, अभी हम उसे मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह से घुल गया है। हम धीरे धीरे से इस मिश्रण को एक बाल्टी में मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से घुमा के मिक्स कर लेना है।
बोर्डो इस मिश्रण का इस्तेमाल हम नींबू वर्गीय पौधों में जैसे कि मौसम्बी, नींबू, संतरा, आम के पौधे पे, उसी के साथ चीकू में बोर्डो पेस्ट लगाने के लिए करते हैं। इसे हम साल में दो बार इस्तेमाल करना चाहिए, एक तो बरसात से पहले यानी मई एंड में और बरसात ख़त्म होने के बाद मतलब सितंबर के एंड में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से पौधों में फफूंदजनक रोगों का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम इसमें नुआन का इस्तेमाल करेंगे। नुआन के इस्तेमाल से हमें ये पौधों में जो छाल खाने वाली कीट आती है, स्टेम बोरर आता है जिसे हम बिरूड भी कहते हैं, उसके साथ में पौधों में जो गोंद लगता है, डाईबैक का जो खतरा रहता है पौधों में, इससे बचा सकता है। नुआन की जगह पे आप क्लोरोपाइरीफॉस भी ले सकते हैं। इसे हम 20 ml प्रमाण रखेंगे। 20 ml लेके हम इस बोर्डो मिश्रण में इसे मिक्स कर देंगे। ये हमें इसमें मिलाना है। इसे हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम इसे पौधों के तने पे, चलो आइए देखते हैं किस प्रकार से पौधे पे अप्लाई करना है। इसे हम ब्रश की मदद से इस प्रकार से पौधों पर लगा सकते हैं। कुछ किसान भाई कलर फीका हो गया इसलिए इसमें ज़्यादा चूना मिला देते हैं, वैसा नहीं करना है। इसका जो प्रमाण बताया गया है उसी तरह से ये बनाकर पौधों पर लगाना है। अगर ज़्यादा चूना इस्तेमाल करेंगे तो इसकी pH वैल्यू चेंज हो जाती है, जिससे कि हमें इस लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसका भंडारण नहीं करना है, मैं कल भी बताया इसके बारे में, इसका भंडारण नहीं करना है। पौधों पर छिड़काव करने के लिए हम इस तैयार बोर्डो मिश्रण 10 लीटर बोर्डो मिश्रण को प्लास्टिक का ड्रम लेके उसमें 90 लीटर पानी लेके उसके अंदर मिक्स कर देंगे, जिसे हम पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव से फलों के पौधों में जो काला धब्बा आता है पत्तों पर उसका नियंत्रण होता है। तो इसे हम अच्छी तरह से छान के बाद में इस्तेमाल करेंगे ताकि ये स्प्रे के अंदर समस्या ना पैदा करे। इस तरह से हम इसे कपड़े से छान लेंगे।
बोड़ो मिश्रण को कपड़े से छानने के बाद इस प्रकार से नीले आसमानी कलर का घोल हमें मिला है। इसे हम स्प्रेपर के सहारे से पौधों पर छिड़काव करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।